हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एन के बारे में ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसकी डिस्टेंस 7,200 किलोमीटर है जो 2000 थाउजेंड ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था इसके 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं इस इमेज में आप देखेंगे द कंप्लीट रूट फ्रॉम मुंबई टिल मॉस्को जिसमें मेजर रोल प्ले कर रहा है ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट एंड देन अजरबैजान रेल रूट अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में इसके दो बेनिफिट्स हैं पहला है कॉस्ट और सेकेंड है टाइम तो सबसे पहले ये कॉस्ट को थर्टी परसेंट कम कर रहा है द कन्वेंशनल रूट ऑफ स्विच कैनाल और सेकेंड है टाइम जो कन्वेंशनल स्विच कैनाल रूट है उसके थ्रू सेल करने में फोर्टी फाइव टू सिक्सटी डेज लगते हैं शिप को एंड जो नया रूट है उसमें टाइम लगेगा ट्वेंटी फाइव डेज जो फोर्टीन डेज रिड्यूस कर देगा करेंट टाइम को रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये रूट जो स्विच कैनल मेडिटेरियन सी और बाल्टिक सी के थ्रू रशिया को कनेक्ट करता है वो फ्रेंडली नहीं रह गया है बिकॉज इस पूरे एरिया पर यूरोप का कंट्रोल है डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू तो इस आई सी रूट इसका अल्टरनेटिव है जो कनेक्ट करता है इंडिया को सेंट पीटर्सबर्ग ऑफ रशिया थ्रू ईरान एंड कैस्पियन सी और ये नया रूट ऑफ आई इट विल नॉट ओनली हेल्प इंडिया एंड रशिया इट विल ऑल्सो हेल्प साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थ्रू इंडियन ओशियन एक और प्रपोज अल्टरनेटिव रूट है कन्वेंशनल रूट का फ्रॉम पोर्ट ऑफ चेन्नई इंडिया टू पोर्ट ऑफ लाडो स्टॉक रशिया इट कैन ऑल्सो रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया बेनिफिट है आई एन एस टी सी का इट विल कनेक्ट इंडियन ओशन टू नॉर्थन यूरोपियन कंट्रीज आप इस इमेज में देख सकते हैं थ्रू ईरान पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करेगा कैस्पियन सी से एंड देन फ्रॉम कैशपियन सी टू मॉस्को एंड फ्रॉम मॉस्को टू नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज अब हम समझेंगे कंप्लीट इस रूट के बारे में इस मैप में आप देखेंगे कि देर टू रूट्स वन इज सी रूट थ्रू कैप्सियन सी एंड वन इज रेल रूट थ्रू बाकू टूवर्ड्स मॉस्को ईरान के पास आठ पोर्ट्स है टूवर्स पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान उसमें सबसे पास में है इंडिया के चाबहार पोर्ट और बंदर अब्बास पोर्ट और दूसरी तरफ कैस्पियन सी की तरफ है तीन सी पोर्ट्स जिसमें से द मेजर है जाली सी पोर्ट जो है एन एस टी सी का पार्ट है तो गुड्स सेल करेंगे इंडिया के कांडला पोर्ट्स या मुंबई पोर्ट से बंदर अब्बास बंदर आबाद से क्यों चाबहार क्यों नहीं वो मैं आपको आगे बताऊँगा तो हम देखेंगे कि बंदर अब्बास सी पोर्ट से ईरान के बाफ की तरफ डबल ट्रैक रेलवे लाइन है बाफ से तेहरान की तरफ वन ट्रैक रेलवे लाइन है तेहरान से वेस्ट और के अलावा नॉर्थ की तरफ है अंजाली सी पोर्ट अंजाली सी पोर्ट से गुड्स सेल करेंगे थ्रू कैसपिन सी और पहुँचेंगे अस्तरखान सी पोर्ट ऑफ रशिया अस्तरखान से रेल या रोड के द्वारा गुड्स मॉस्को पहुंचेंगे और मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग कॉरिडोर का एक्सटेंशन तेहरान से वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड की तरफ भी है तो वेस्ट साइड में ईरान का जो रेलवे लाइन है वो जाता है टर्की टर्की इस्तानबुल और इस्तानबुल से बल्गेरिया एंड अदर बाल्कन कंट्रीज वैसे ही ईस्ट की तरफ जाता है टर्ड्स तुर्कमेनिस्तान कंप्लीट मैप ऑफ इरानियन रेलवेज टूवर्ड्स वेस्ट टूर्ड तर्की एंड टूअर्ड्स ईस्ट टूवर्ड्स तुर्कमेनिस्तान एक्सटेंशन है वो पॉसिबल हुआ अशगाबाद एग्रीमेंट जो 2011 में साइन हुआ था इंडिया भी साइनी है अशगाबाद एग्रीमेंट का जो कनेक्ट करता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को पर्शियन गल्फ से पाकिस्तान के रास्ते ये फर्दर कनेक्ट करता है कजाकिस्तान को कैस्पियन सी सीवन अजरबैजान भी इसका पार्ट है बट अभी कोई रेलवे लाइन नहीं है बाकू और तेहरान के बीच ईरान तेहरान बाकू रेलवे लाइन जिसका नाम रास अस्त्रा रेलवे लिंक जो कैस्पियन सी के कोस्ट पे बनाई जा रही है इस रेलवे लाइन का काम बहुत सालों से डिले चल रहा है टेक्निकल और फाइनेंशियल रीजन की वजह से बट ईरान ने इसे कंप्लीट करने का 2023 तक प्लान किया है तो इस रेल के रूट के थ्रू तहरान से बाकू भेजा जा सकता है गुड्स और अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो डायरेक्ट थ्रू कैसपी सी और बाकू से आगे रशियन बॉर्डर के थ्रू भेजा जा सकता है एंड आप देख सकते हैं ये जो रेलवे लाइंस बन जाएंगी तो आफ्टर एंट्रिंग रशियन बॉर्डर से बहुत ईस्ट एंड वेस्ट साइड पे रेल नेटवर्क है जो कि इसे हेल्प करेगा बात करेंगे चाबार सी पोर्ट के बारे में जो नज़दीक है इंडिया के कंपेयर टू अब्बास पोर्ट तो कि आप जानते हैं ईरान और इंडिया के बीच 2015 में चाबार पोर्ट को डेवलप करने का एग्रीमेंट हुआ था और उसको एक ट्रांजिट हब बनाने के लिए दोनों देश काम कर रहे थे लेकिन आफ्टर द यूएस पुट द सैंक्शन ऑन ईरान और चाबाह पोर्ट ना कि इंडिया के नजदीक है बल्कि एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस पर यूएस का कोई सेंक्शन नहीं है जबकि यूएस ने ईरान पर बाकी सी पोर्ट पर सेंशन लगाए हुए हैं यूएस जब भी किसी कंट्री पर सेंशन लगाता है तो उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स लाइक सी पोर्ट्स पर सेंशन लगाता है लेकिन चाबहार सी पोर्ट पर ऐसा कोई सेंक्शन नहीं है। लेकिन चाबहार सी पोर्ट का एक ड्रॉबैक है कि ये रेलवे लाइन से लिंक नहीं यूएस ने इंडिया को एग्जेप्ट किया था चाबार पोर्ट से बिकॉज पाकिस्तान ने इंडिया को मना कर दिया शिपमेंट अफगानिस्तान में भेजने के लिए इंडिया ने अफगानिस्तान को भेजना चाहता था बट वीट बट पाकिस्तान ने मना कर दिया था और उस समय यूएस की आर्मी अफगानिस्तान में थी ये कारण हो सकता है कि यूएस ने सेंक्शन नहीं किया चाबार सी पोर्ट को इस रूट का अहम लिंक है चाबार जाहिदान रेल लिंक इंडिया ने चाबार जाहिदान रेल लिंक रूट से अपना हाथ पीछे ले लिया था क्योंकि इंडिया को पता चला कि ईरान ने जिस कंपनी को रिकमेंड किया है इस रेल लिंक को बिल्ड करने के लिए उसके संबंध आई ग्रुप से है जिस पर यूएस ने एक्शन लगाए हुए हैं इसके बाद भी ईरान इस रेलवे लिंक पर काम कर रहा है और 2024 तक उसे कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है जब ये रेलवे लिंक कंप्लीट हो जाएगा तो ये चाबार को जहेदान से कनेक्ट करेगा और और बाफ से एंड बाफ़ को फर्दर थ्रू त्रान और टूअर्ड्स तुर्कमेनिस्तान इट कैन कनेक्ट लेकिन इसके बनने के बाद यूएस इस पर भी लगा सकता है वर्कशॉप इन जैन 2023 वक्तव्य रखा गया की चाबार से रोड रूट के द्वारा गुड्स को भेजा जाए अंजाली सी पोर्ट टूवर्ड्स रशिया जब तक का यूएस के सेंशन है बंदर अबास सी पोर्ट पर बट अभी भी इंडिया क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रहा है कन्वेंशनल सी रूट से धन्यवाद